हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, चंदन कुमार ने मुझसे 3 वर्ड्स पूछे थे। मैं इसका फ्रेज नहीं बोलूंगा क्योंकि ये फ्रेज नहीं है। तो वो वर्ड्स है हाई हैंडेड, दूसरा वर्ड है हाई हैंडेडनेस और तीसरा वर्ड है हाई हैंडेडली। तो ये हम लोग तीनों वर्ड को समझते हैं कि हाई हैंडेड, हाई हैंडेडनेस और हाई हैंडेडली का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। जनरली ऐसे वर्ड्स हम लोग को न्यूज़पेपर में या लोगों के मुंह से बोलते हम लोग सुनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहें, उसके एक एक बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं इस प्रकार के ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारे इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, तो बीच में वीडियो छोड़ना नहीं है, आखिर तक देखना है। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं। ओके दोस्तों, चालू करें। तो देखते हैं वन बाय वन, उसकी ग्रामर, उसके स्पोकन सब पार्ट को देखते हैं। पहले मैं आपको समझाऊं कि वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं। हाई हैंडेड जो एडजेक्टिव है, हाई हैंडेडनेस जो कि नाउन है, अपस्टेक नाउन, और तीसरा वर्ड है हाई हैंडेडली जो कि एडवर्ब है। अब तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, सेंटेंस मेकिंग समझते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहें और उसकी एक एक बात को समझिए, और वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या चालू करते हैं। पहला वर्ड है, मैं थोड़ा समझाऊं इन तीनों के बारे में। जनरली यूज्ड इन नेगेटिव वेज, यूजिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट कंसिडरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अधिकतर ये नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, जो यूजिंग पावर और अथॉरिटी, जो पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, किसी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते ना रखते हुए, किसी की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखते, बहुत ही हाई हैंडेडली यूज करते हैं, क्रूरता से, मनमानी तरीके से और निष्ठुरता से, ऐसे अर्थ में आ सकता है। लेकिन कई बार ये पॉजिटिव अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब सामने वाले से कभी कुछ काम करवाना है और वो नहीं कर रहा है तो हमें हाई हैंडेडली भी काम करवाना पड़ जाता है। तो देखते हैं इसके बहुत सारे सेंटेंस। तो पहला है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब हो रहा है क्रूर, निष्ठुर, कठोर, मनमानी करने वाला, ज्यादती से काम करने वाला, सख्ती से काम करने वाला, हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं। यह एडजेक्टिव है। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हाई हैंडेड का हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस, शी टुक अ फेयरली हाई हैंडेड डिसीजन यस्टरडी। शी टुक अ फेयरली हाई हैंडेड डिसीजन यस्टरडी। उसने कल कड़ा निर्णय लिया, उसने कल कड़ा निर्णय लिया, उसने कल कठोर निर्णय लिया, उसने कल सख्ती से निर्णय लिया। तो यहां हमने कहा शी टुक अ फेयरली हाई हैंडेड डिसीजन यस्टरडे। नंबर 2, आई वॉन्ट टू बी सीन एज लेस बॉसी एंड हाई हैंडेड, या आई वॉन्ट टू बी लेस एस बॉसी एंड हाई हैंडेड। मैं कम रॉब बताने वाला और सख्त मिजाज का दिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी सीन, मैं दिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी सीन, मैं दिखना चाहता हूं। कैसे दिखना चाहता हूं? एस लेस बॉसी, यानी कम रॉब दिखाने वाला। बॉस, बॉसिंग जो रहते हैं, अपनी बॉस गिरी दिखाते रहते हैं हमेशा, तो मैं कम बॉसी दिखना चाहता हूं और हाई हैंडेड दिखना चाहता हूं। कम हाई हैंडेड दिखना चाहता हूं, मतलब ज्यादा क्रूर दिखना नहीं चाहता और कड़ा निर्णय लेने वाला दिखना नहीं चाहता मैं। नंबर 3, शी हैड अ हाई हैंडेड मैनर। शी हैड अ हाई हैंडेड मैनर, इसका मतलब होगा कि वह सख्त मिजाज वाली थी। वह सख्त मिजाज वाली थी। शी हैड अ हाई हैंडेड मैनर, बिल्कुल कड़े तरीके से निर्णय लेती थी, इस प्रकार था उसका नेचर। नंबर 4, द न्यू बॉस इज फुली हाई हैंडेड इन ट्रीटिंग विद एम्प्लॉयज। द न्यू बॉस इज फुली हाई हैंडेड इन ट्रीटिंग विद एम्प्लॉयज। नया बॉस पूरी तरीके से सख्त मिजाज वाला था। नया बॉस पूरी तरीके से सख्त मिजाज वाला है अपने एम्प्लॉय के, अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए। नया बॉस पूरी तरीके से सख्त मिजाज वाला है
अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए यस बहुत जरूरी है। बॉस को कई बार बॉस भी बनना पड़ता है, नहीं तो कर्मचारी काम नहीं करते, आपको पता ही है। इसलिए बॉस शुड बी बॉस, और आपने सुना होगा बॉस इज ऑलवेज राइट। दोस्तों नंबर 5, आर बॉस इज ओनली हाई हैंडेड नॉट ब्रूटल। आर बॉस इज ओनली हाई हैंडेड नॉट ब्रूटल। हमारा बॉस केवल हाई हैंडेड है, सख्त मिजाज वाला है, नॉट ब्रूटल, ब्रूटल नहीं है, अत्याचारी नहीं है, क्रूर नहीं है, बेरहम नहीं है, वो केवल हाई हैंडेड है। तो यहां पर हाई हैंडेड एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, बट मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में आता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस एक नाउन है जो कि अपस्टिक नाउन है, जो कि हमारी अंदर की फीलिंग्स को शो करता है, जिसका मतलब होगा मनमानी, ज्यादती, जुल्म, अत्याचार, कठोरता, सख्त रवैया, ये सारे अर्थ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसके बहुत सारे हम लोग सेंटेंस लेंगे। इसका इंग्लिश में मीनिंग निकलेगा हैविंग और शोइंग नो रिगार्ड फॉर द राइट्स। हैविंग और शोइंग नो रिगार्ड फॉर द राइट्स, किसी के अधिकार, किसी का हक को ध्यान में न रखना, कंसर्न को ध्यान में न रखना, उनके दुख दर्दों को ध्यान में न रखना और फीलिंग्स, उनके जज्बातों को ध्यान में न रखना ऑफ अदर्स, ये सेंस में आ रहा है। तब हम लोग यूज करेंगे हाई हैंडेडनेस। सेंटेंस नंबर 1, ही वॉज इन फेमस फॉर हिज हाई हैंडेडनेस एंड क्रुएल्टी। ही वॉज इन फेमस फॉर हिज हाई हैंडेडनेस एंड क्रुएल्टी। वह अपने हाई हैंडेडनेस और क्रुएल्टी के लिए कुख्यात था, इन फेमस था। वह अपने सख्त रवैये और निर्दयता के लिए, बेरहमी के लिए कुख्यात था, इन फेमस था। फेमस का उल्टा इन फेमस होता है दोस्तों। नंबर 2, हाई हैंडेडनेस विल नॉट हेल्प एनीवन टू लर्न प्रॉपरली। हाई हैंडेडनेस विल नॉट हेल्प एनीवन टू लर्न प्रॉपरली। सख्त रवैया किसी को सीखने में मदद नहीं करेगा। हाई हैंडेडनेस विल नॉट हेल्प, सख्त रवैया मदद नहीं करेगा एनीवन, किसी की, टू लर्न प्रॉपरली, अच्छे से सीखने के लिए। सख्त रवैया किसी को अच्छे से सीखने के लिए मदद नहीं करेगा। तो वहां पर हमें कभी कभी पोलाइट बनना पड़ता है। जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वहां पर हाई हैंडेडनेस से काम करेंगे तो शायद वो डर जाएगा और नहीं सीख पाएगा। वहां आपको पोलाइटनेस शो करना होगा। नंबर 3, द बॉस विल पनिश यू फॉर योर हाई हैंडेडनेस। द बॉस विल पनिश यू फॉर योर हाई हैंडेडनेस। बॉस तुम्हें तुम्हारे सख्त रवैये के लिए सजा देगा। बॉस तुम्हें तुम्हारे सख्त रवैये के लिए, कठोर रवैये के लिए सजा देगा। यहां पर हाई हैंडेडनेस अत्याचार के सेंस में आ रहा है, क्रूरता के सेंस में आ रहा है, कठोरता के सेंस में आ रहा है, क्रुएल्टी के सेंस में आ रहा है, निर्दयता के सेंस में आ रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है। नंबर 4, पीएम्स हाई हैंडेडनेस मे इवेंचुअली कन्विंस द मेंबर्स ऑफ पार्टी। पीएम्स हाई हैंडेडनेस, प्रधानमंत्री की हाई हैंडेडनेस, प्रधानमंत्री का सख्त रवैया मे इवेंचुअली कन्विंस द मेंबर्स ऑफ पार्टी, पार्टी के सदस्यों को आखिरकार मना सकती है। जो प्रधानमंत्री का जो हाई हैंडेडनेस होगा, प्रधानमंत्री का जो सख्त रवैया होगा, वो आखिरकार पार्टी के सदस्यों को मना सकता है, उनको कन्विंस कर सकता है, उनको भरोसे में ले सकता है। इस सेंस में यहां पर आ रहा है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है यहां पर। लेकिन हाई हैंडेडनेस उनको यूज करना पड़ेगा, मतलब सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा कि आइदर दिस और दैट, उनको ये बोलना पड़ेगा या तो ये करो या फिर कुछ मत करो। नंबर 5, प्लीज बी हम्बल, योर हाई हैंडेडनेस विल नॉट वर्क। प्लीज बी हम्बल, कृपया विनम्र बने, कृपया हम्बल बने, मेहरबानी करके हम्बल बने। योर हाई हैंडेडनेस विल नॉट वर्क, आपका सख्त रवैया काम नहीं करेगा। भाई विनम्र बन जाए, आपका जो सख्त रवैया वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों क्या समझ में आया आपको, हाई हैंडेडनेस से जब काम नहीं होता है तो पोलाइटनेस का यूज करना चाहिए, और जब पोलाइटनेस से काम नहीं होता तो हाई हैंडेडनेस का यूज करना चाहिए। ये सेंटेंसेस है। तो मुझे उम्मीद है मिस्टर चंदन कुमार आपको समझ में आ रहा होगा कि हाई हैंडेडनेस और हाई हैंडेड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हाई हैंडेडली। हाई हैंडेडली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब आपको पता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कैसे काम कर रहा है, उसके काम करने का ढंग कैसा है।
इसके पहले आपने बहुत सारे एडवर्ब्स पढ़े थे, हैप्पीली, स्लोली, केयरफुली. ये जो एलवाई एलवाई वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं. यहां इसका मतलब हो रहा है कठोरता से. हाई हैंडेडली का मतलब हो रहा है कठोरता से, अनियंत्रित होकर, मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से, सख्ती से, कठोर होकर, इतने सेंस में यूज किया जाएगा. अब हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि हाई हैंडेडली का इस्तेमाल हम लोग कैसे करना है. एडवर्ब है दोस्तों, ध्यान देंगे. पहला सेंटेंस, यू कैन नॉट बिहेव इन अ हाई हैंडेड मैनर. यहां मैंने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है. यू कैन नॉट बिहेव इन अ हाई हैंडेड मैनर. आप सख्त तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं. आप सख्त तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं. अब नंबर दो पर ध्यान दीजिए, वही सेंस निकल रहा है लेकिन मैंने इस बार एडवर्ब का यूज किया है. यू कैन नॉट बिहेव हाई हैंडेडली. यू कैन नॉट बिहेव हाई हैंडेडली. आप सख्त तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, एडवर्ब है. अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हें हाई हैंडेड मैनर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. यानी कि इन ए हाई हैंडेड मैनर का मतलब होता है हाई हैंडेडली. नंबर तीन में आ जाते हैं, ही बिहेव्ड हाई हैंडेडली टुवर्ड हिज एम्प्लॉइज. ही बिहेव्ड हाई हैंडेडली टुवर्ड हिज एम्प्लॉइज. उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ सख्ती से व्यवहार किया. उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ, उसने अपने कर्मचारियों के साथ सख्ती से व्यवहार किया, कठोरता से व्यवहार किया, जिससे काम कराया जा सके. आप समझ सकते हैं. नंबर चार, गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट टूक द डिसीजन हाई हैंडेडली. द गवर्नमेंट टूक द डिसीजन हाई हैंडेडली. सरकार ने सख्ती से निर्णय लिया. सरकार ने सख्ती से निर्णय लिया. हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द गवर्नमेंट टूक द डिसीजन इन ए हाई हैंडेड मैनर. इन अ हाई हैंडेड मैनर ना बोलते हुए हमने डायरेक्ट बोल दिया हाई हैंडेडली. नंबर पांच, वुड दैट वी कुड डील हाई हैंडेडली विथ क्रिमिनल्स. वुड दैट वी कुड डील हाई हैंडेडली विथ क्रिमिनल्स. वुड दैट का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काश के सेंस में आ रहा है. काश हम अपराधियों के साथ सख्ती से व्यवहार करते. काश हम अपराधियों के साथ सख्ती से व्यवहार करते तो आज हमें ये हालात ना देखने होते. आज हमें ये सब कुछ ना देखना होता जो आज सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है. तो सेंटेंस कह रहा है कि वुड दैट काश वी कुड डील हाई हैंडेडली विद क्रिमिनल्स. काश हम अपराधियों के साथ सख्ती से व्यवहार किए होते, सख्ती से निपटे होते तो आज हमें ये सब कुछ ना देखना होता. जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वुड दैट वी कुड डील इन अ हाई हैंडेड मैनर. हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं. तो ये तीनों वर्ड्स से पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट थे, जो कि नाउन के सेंस में थे, जो कि एडजेक्टिव के सेंस में थे, नाउन के सेंस में थे और एडवर्ब के सेंस में थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डाउट होंगे, मेरे डाउट होंगे. और दोस्तों वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है जिससे हर कोई इस प्रकार का सेंटेंस बनाना सीख जाए. थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेक्रेटिव अफेक्टिव इंप्रेसिव बना देगी. ओके, तो दोस्तों आप अपने डाउट पूछना बंद न करें, मैं आपके डाउट का वीडियो जरूर बनाऊंगा. और हमारी ऑनलाइन क्लास के बारे में भी आपको पता है कि मैं रात को 8 से 9 ऑनलाइन लेता हूं. मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं लेता हूं. तो प्लीज वेलकम माई ऑनलाइन क्लास. थैंक यू वेरी मच. बहुत जल्द मिलेंगे आपके और मेरे डाउट के साथ. थैंक यू वेरी मच.